हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि क्रॉन जॉब के अंदर हम स्केड्यूलिंग एक्सप्रेशंस किस तरह से करते हैं। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो क्रॉन जॉब यूज़ की थी, उसके अंदर हमने सारे स्टार्स दे दिए थे। इसका मतलब बेसिकली ये था कि हर मिनट के बाद, यानी हर मिनट के मतलब मिनट के बाद वो परफॉर्म होगा। सो मैंने आपको कहा था कि यार इन स्टार्स का मतलब मैं आपको जो है वो वाइडली समझाऊंगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इन स्टार्स का क्या मतलब। देखें, जो पहला वाला स्टार्स होते हैं ना, इसका ये शो करता है मिनट्स को, दूसरा वाला स्टार शो करता है आवर को, तीसरा वाला स्टार शो करता है डेज ऑफ द मंथ को, और इसके अलावा मंथ ऑफ द ईयर जो हमारे पास सेकेंड लास्ट होता है, और लास्ट वाला हमारे पास डे ऑफ वीक को शो करता है। अच्छा, अब मिनट्स हमारे पास जो स्टार्ट होते हैं 0 to 59 तक स्टार्ट होते हैं, आवर्स हमारे पास 0 to 23 तक स्टार्ट होते हैं। अगर मैं कहूँ कि यार मुझे शाम के 4 बजे करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 16, ठीक है, तो मैं 16 लिख दूंगा। अगर शाम के 5 बजे करना है तो 17 लिखूंगा, और अगर मुझे रात के 12 बजे करना है तो मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। तो आपको इस चीज़ की नोआ होनी चाहिए कि यार 24 आवर्स के मुताबिक किस तरह से टाइम को सेट किया जाता है। ठीक हो गया। डेज चूँकि यहाँ 1 से लेकर 31 तक स्टार्ट है, मंथ ऑफ भी आपके पास 1 से लेकर 12 तक स्टार्ट हैं, और 1 to 7 यानी पहला दिन मंडे है और 7वां दिन जो होगा वो इतवार होगा। ठीक है, अगर सपोज़ करें कि मुझे हर मिनट के अंदर जो है वो एक चीज़ को रिपीट करना, तो उसके लिए मैं स्टार 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 दे दूंगा, जिसका मतलब ये होगा कि ये हर मिनट के बाद रिपीट होगा। स्टार बेसिकली एक वाइट कार्ड होता है, जिसका मतलब होता है कि वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर मुझे हर शाम सुबह 5 बजे से लेके सुबह के 5 बजे और शाम के 5 बजे उस चीज़ को परफॉर्म करना है। तो देखें, यहाँ मैं स्टार नहीं दे सकता, यहाँ मैं 0 दूंगा। स्टार का मतलब ये है कि हर मिनट के 5 मिनट के बाद, ठीक है, हर मिनट होगा, हर मिनट के जब गुजरेगा 5 मिनट के बाद। लेकिन मुझे क्या है, मुझे आवर इसको मैं 0 रखूँगा, 0 के बाद जो दूसरा स्टार मेरा होगा, ठीक है ना, मुझे किस में चेंजिंग करना होगा, मुझे हर जो है क्या कहते हैं आवर्स में चेंजिंग करना है, तो मैं सेकंड वाले को लूँगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सेकंड वाले को यहाँ पे लिया गया है। ठीक हो गया। तो 15 और 17, यानी 15 का मतलब ये है कि सुबह के 5 बजे और 17 का मतलब है कि शाम के 5 बजे। कोमा क्या करेगा, कोमा इन दोनों को सेपरेट करेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि हर रात वीकेंड्स की रात को जो है वो ये मतलब यूज़ हो, तो इसमें मैं क्या दूंगा, 0 0 डैश डैश, यानी 0, यानी कि मंथ कोई सा भी हो और डे कोई सा भी हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अच्छा, ये 0 हमने क्यों दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको नहीं देना, मतलब स्टेरिक नहीं देना। इसका मतलब ये है कि हर 12 बजे परफॉर्म हो, हर 12 मिनट के बाद परफॉर्म होगा, हमने यहाँ पे 0 दे देना। 0 के बाद यहाँ पे हमने 0 दे दिया। ये 0 हमने किसको दिया, ये रात को 12 बजे को दिया। ठीक है। और स्टेरिक स्टेट का मतलब ये है कि यार दिन का कोई सा भी टाइम हो, मुझे मतलब मंथ कोई भी हो या डे कोई भी हो, ईयर कोई भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। और 1-5, ये जो डैश ये होता है ये कंटिन्यूसली चलता है, कोमा सेपरेट कर देता है, और डैश जो है कंटिन्यूसली चलता है, यानी मंडे से लेके ये जो है फ्राइडे तक चलेगा, क्योंकि हफ्ते का पहला मतलब दिन जो होगा वो पीर होगा, मंडे होगा, और लास्ट जो 5वां दिन होगा वो फ्राइडे होगा। ठीक हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि हर 15 मिनट के बाद चले, तो पहले वाले स्टार के ऊपर मैं /15 दे दूंगा, तो इससे क्या होगा कि हर 15 मिनट के बाद ये चलेगा। सेम इट इज़ इसी तरह एवरी आवर्स ऑन अल्टरनेटिव डे, यानी कि हर दिन के बाद ये चले, तो मैं दिन के सेक्शन में जाके तीसरे वाले स्टार के ऊपर जाके, यानी कि हर मिनट के बाद जो है ना ये चले, तो मैं /2 दे दूंगा, तो इससे क्या होगा कि हर 2 मिनट के बाद, और सॉरी 2 डेज़ के बाद अल्टरनेटिवली चलेगा। तो ये हमारे पास बेसिकली होती है स्केड्यूलिंग एक्सप्रेशन क्रॉन जॉब। होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको इसके बारे में किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अपने कन्फ्यूजन से मुझे इन्फॉर्म करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।